हे दोस्तों, तो सुबह सुबह मैं पहुंच चुकी हूँ शियालदा स्टेशन मौसुनी आइलैंड जाने के लिए। देख सकते हो नामखाना लोकल 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे लग चुका है, जो कि 7:14 में डिपार्चर होगा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज गीता वाल्मीकि। सो गाइज, अभी मैं खड़ी हूँ शियालदा स्टेशन में एंड हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पे मौसुनी आइलैंड। ये हमारा ट्रेन आ चुका है, 18 नंबर प्लेटफॉर्म में हम खड़े हैं एंड हम जाएंगे नामखाना। नामखाना से उतर के हम शायद फेरी लेंगे, फेरी से हम जाएंगे मौसुनी आइलैंड। तो मेरे साथ चलो, देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लेट्स गो। गाइस, हम लोग नामखाना स्टेशन पहुंच चुके हैं, चलो सफर शुरू करते हैं। शियालदा से नामखाना लगभग 109 किलोमीटर है एंड ट्रैवल टाइम हमें 2.5 से 3 घंटा लगा। घर से निकलने से पहले हमने इस रूट का ट्रेन टाइमिंग चेक किया था वेयर इज माई ट्रेन पे, बट गाइस कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस रूट का ट्रेन डेली अवेलेबल है। नामखाना स्टेशन से निकलते साथ आपको ऑटो टोटो स्टैंड दिख जाएगा, देख सकते हो कितने सारे टोटोज अवेलेबल है। हमें जाना था 10 माइल घाट एंड हम चले गए बिल्कुल मेन रोड पे एंड हमने अच्छे से बार्गेनिंग किया एंड 200 रुपीज में हमें ये टोटो वाले अंकल लेके जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रैवल करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ तो मेरा ऑल इंडिया ट्रैवल करने का जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। गाइस, नामखाना स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर लगा हमें यहाँ पहुंचने में, काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा एंड टोटो से हम यहाँ पहुंचे। अभी यहाँ से हम बोट लेंगे एंड क्रॉस करेंगे, देख सकते हो लाइन वगैरह लगा हुआ है मेरे पीछे। चलो तब क्रॉस करते हैं एंड जाते हैं मौसुनी आइलैंड। बोट का टिकट का प्राइस कितना है? नहीं पता, काटा नहीं। ओ, नहीं पता। तो कहाँ? 10 रुपए बता। 10 रुपए है, अच्छा। बोट का टिकट का प्राइस 10 रुपीज है। ऐसे खड़े होके जाना पड़ रहा है थोड़ा रिस्क है वैसे। स्टार्ट हो गया, कैसा लग रहा है? गाइज, मैं और मेरे ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि हम किसी आइलैंड में जा रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है। फाइनली घाट हमने पार कर लिया है एंड यहाँ से भी हमारा कैंप साइट जो है वो थोड़ा दूर है, तो हम जाएंगे टोटो करके। गाइज, अभी हम लोग अपने कैंप पे पहुंच चुके हैं एंड हमने बुक किया है विला कॉटेज। तो चलो आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे देती हूँ, लेट्स गो। गाइज, ये पूरा विलेज एरिया है एंड यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर में आपको कैंप्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे एंड ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे टोटोज अवेलेबल है। कैंप एंटर करने के बाद हमने सबसे पहले करवाया डॉक्यूमेंट्स चेक, देन यहाँ पे आ चुका है हमारा वेलकम ड्रिंक। एंड गाइस, वेलकम ड्रिंक पीने के बाद चलते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ अपना कैंप विला किस टाइप का है। देख सकते हो बाहर से कुछ इस टाइप का दिख रहा है, अंदर चलते हैं। अंदर से ये काफ़ी सिंपल है। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम टेंट पे रहेंगे एंड प्रॉपर कैंपिंग करेंगे, बट गाइस हम सभी भाई बहन एक साथ रहना चाहते थे एंड एंजॉय करना चाहते थे एंड ये वाला रूम जो है वो 6 जनों के लिए है एंड वॉशरूम भी ठीक ठाक सा है। रूम में 2 फैन, 1 मिरर एंड 1 AC है, देख सकते हो। गाइस, हमारा 6 पीपल बैम्बू कॉटेज तो आपने देख लिया है, तो चलते हैं अब इनका दूसरा रूम देख लेते हैं। गाइस, ये है इनका डीलक्स कॉटेज, कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो। ये भी सिंपल सा है एंड यहाँ पे 1 AC लगा हुआ है एंड यहाँ पे है एक डिसेंट सा वॉशरूम। गाइज, अभी हमने डीलक्स कॉटेज तो देख लिया, नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। भैया, ये वाला कॉटेज का क्या नाम है? ये बैम्बू कॉटेज है हमारा। बैम्बू कॉटेज, अच्छा। चलिए अंदर से देख लेते हैं गाइज। पूरा बैम्बू से ही बना है। हाँ देखिए, समोसा।
काफी अच्छा है। ये कितने लोगों के लिए है? ये मैक्सिमम 2 से 3 जन आराम से रह सकता है। इसमें 2 से 3 का फैसिलिटी है। अच्छा, एसी का फैसिलिटी है। बाथरूम दिखा दीजिए। गाइस बाथरूम देख सकते हो, सिंपल सा है, क्लीन है। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको इनका टेंट दिखा देती हूँ। टेंट काफी सारा ऑक्यूपाइड था। ऑल राइट गाइस, चलो एक टेंट खोलकर देख लेते हैं कि अंदर किस टाइप का है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कुशनिंग किया हुआ है एंड ठीक ठाक सा कंफर्टेबल है। इसमें 5 जन सो सकते हैं आराम से एंड आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिल जाएगा जिससे कि आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो, एक लाइट मिल जाएगा। तो ये बड़ा टेंट है, ये बिग टेंट है। अच्छा, ये बिग टेंट है, इसमें 7-8 जन आराम से रह सकते। गाइस देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, 7-8 पीपल्स इसमें रह सकते हैं एंड ये सच में काफी ज्यादा स्पेशियस है। गाइज अभी चलते हैं ऊपर एंड ऊपर का टेंट देख लेते हैं एंड ऊपर से व्यू भी काफी ज्यादा अच्छा है। गाइज देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ऊपर का ये टेंट देख लेते हैं। कुछ ऐसा है गाइस, टेंट देख सकते हो, इसमें भी 5 लोग अटेंगे क्या? नहीं, ये दो अच्छा, दो लोग के लिए, वो वाला 3 जन के लिए, ये 3 जन के लिए। अच्छा, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो हमारे कॉटेज से भी नहीं आ रहा ये व्यू। আচ্ছা, আমাদের এখানে সম্পূর্ণটাই প্যাকেজ সিস্টেম, ফুডিং প্লাস লজিং নিয়ে। আর আপনার ফ্যাসিলিটি টেন্ট আছে, টেন্টের বিভিন্ন রকমই ফ্যাসিলিটি রয়েছে। গ্রুপ টেন্ট আছে, কাপল টেন্ট আছে, ফ্যামিলি টেন্টও আছে। ম্যাক্সিমাম আপনারা বিগ টেন্টে থাকলে 7-8 জন থাকতে পারবেন। এছাড়া 3-বেডের টেন্টে আপনারা কাপল 3 জন করে থাকতে পারবেন। বিভিন্ন রকম টেন্ট রয়েছে। এছাড়াও রুম রয়েছে, ব্যাম্বু কটেজ, ব্যাম্বু ভিলা আছে, ডিগ্লাস কটেজ আছে। টেন্ট আমাদের শুরু হচ্ছে পার হেড 1000 থেকে ফুডিং প্লাস লজিং নিয়েই। আর এখানে সম্পূর্ণ আপনি রুম নিন, টেন্ট নিন, সবার খাবারটা সেমই থাকছে, ফুড প্যাকেজ সেম। আর রুমের রেট হচ্ছে আপনার এই ব্যাম্বু কটেজগুলো হচ্ছে পার হেড 1350 আর রুমগুলো হচ্ছে আপনার 1500। এটা নর্মাল এসি নিলে ওর জন্য 250 টাকা রেট এক্সট্রা চার্জেস, ঠিক আছে। টেন্টের জন্য বললাম তো 1000। আর যে ওপরে যে হ্যাঙ্গিং টেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওইগুলো রেট আছে আপনার পার হেড ফুডিং প্লাস লজিং নিয়ে পড়বে 1200 টাকা পার ডে। আর বেশি কিছু যদি আপনারা জানতে চান, বুক করতে চান, তার জন্য ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নেবেন, ঠিক আছে। আর আমার নাম শুভঙ্কর মণ্ডল। আপনারা যদি এখানে এসেও কিছু কনফিউশন মনে হয় আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। আর একটা কথা ছিল, যে রেটগুলো আপনাকে বললাম সেই রেটগুলো অনলি নর্মাল ডের জন্য, হলিডে আর স্পেশাল ডের জন্য রেটগুলো চেঞ্জ হতে থাকে। আর আমাদের যেই বারবিকিউ আছে, বারবিকিউ রেট আছে আপনার 600 গ্রামের দাম 350 টাকা, 1 কেজি 500 টাকা। আর এখানে আসতে হলে পরে আপনাকে আইডি প্রুফ মাস্ট ক্লিয়ার লাগবে। আর কাপলদের জন্য বলে দিই, মাস্ট 18+ হতে হবে। গাইজ ইয়ে দেখ সকতে হো, ইনকা ডাইনিং এরিয়া হ্যায়, ইয়াহাঁ পে বাইঠ কে আপ খা সকতে হো, চিল কর সকতে হো আরাম সে। এন্ড ইয়াহাঁ সে গেট হ্যায় বিচ পে জানে কা। গাইজ পিছে দেখ সকতে হো হামারা ক্যাম্প হ্যায় এন্ড ইয়ে রাহা সমুদ্র। काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है समुद्र देखकर। सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने दूर से हम लोग आए, काफ़ी सुबह उठे, अब लग रहा है हाँ भाई। Two hours later.
गाइज मैं बिल्कुल फ्रेश होकर रूम से अभी आई हूँ बीच पे, एंड अभी लगभग 2 बज रहे हैं एंड पानी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुका है एंड अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बीच देखने में। कैसा लग रहा है, कादा कादा देख सकते हो, कितना अजीब टाइप का लग रहा है। तो चलो खाना वाना खा लेते हैं एंड अभी फ्रेश होके काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। लंच करने का टाइम हो गया है एंड हम पांचों लंच करने के लिए आ गए हैं। गाइस देख सकते हो आज लंच में है दाल चावल आलू भाजा फिश फ्राई एंड फिश करी एंड लास्ट में था चटनी पापड़। तो चलो खाना टेस्ट करके देख लेते हैं कि खाना कैसा है। ये गया मेरा पहला बाइट। गाइस खाना जो है खाने में एवरेज सा है एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ठीक ठाक सा है खाने में। तो गाइस सनसेट के बाद इवनिंग टाइम में यहाँ का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। लाइट्स म्यूजिक एंड बॉनफायर, काफी अमेजिंग सा वाइब्स आ रहा था। इवनिंग टाइम में हमने एंजॉय किया ब्लैक टी एंड वेज पकौड़ा, बॉनफायर म्यूजिक एंड अपने भाइयों के साथ मैं चिल कर रही थी, चाय वगैरह पी रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप मोशनी आइलैंड ग्रुप में जा रहे हो एंड अगर बड़ा सा ग्रुप है आपका तो आप काफ़ी ज़्यादा चिल कर सकते हो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट गाइस देख सकते हो ये भैया चिकन मैरिनेट करके लेके आए हैं बारबेक्यू करने के लिए एंड हमने ऑर्डर किया था 1.5 किलो चिकन जो कि हमने पे किया था। गाइज यहाँ पे हमारा बारबेक्यू चिकन आ चुका है, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलो अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। तो मैंने नींबू स्क्वीज कर लिया है एंड ये रहा चिकन लेग पीस, तो चलो ट्राई करते हैं एंड सच बोलूँ तो ये खाने में काफ़ी डिलीशियस था। गाइज जैसे जैसे रात बढ़ रही थी यहाँ पे पार्टी वाला माहौल पूरा छा गया था। गाइज देख सकते हो A few moments later. डिनर करने का टाइम हो गया था एंड डिनर में है दाल भात आलू भाजा एंड मटन करी। देख सकते हो मटन काफी सॉफ्ट है एंड खाने में एवरेज सा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में था पूरी आलू की सब्जी एंड बॉयल एग्स जो कि खाने में काफी अच्छा लग रहा था। हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके थे, देन हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, देन ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद ही हम निकल पड़े यहाँ से शियालदा की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड, तो ऑल ओवर अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं मैं तो ये जो प्लेस है ये एक दिन के लिए घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है एंड अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हो और चिल करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड जिन लोगों को पार्टी करना काफ़ी पसंद है उन लोगों के लिए ये प्लेस तो हेवन है। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो सपोर्ट करो, तब तक के लिए टाटा। You take me to the light, it's like a cigarette, and I'm burning at your lips, it's not so innocent, and you kick it up, and now I want